यह सभा आज किसी के गुणानुवाद के लिए निश्चित ही नहीं बैठी है और न ये दीक्षा मार्ग पर प्रवृत्त होने वाले जीव की अनुमोदना है। ये सभा मात्र जानना चाहती है कि जिसे हम संसार का उत्कृष्ट पुण्य कहते हैं वह प्राप्त होने के बाद भी वह कौन सा कारण है कि एक व्यक्ति इन सबको छोड़कर शारीरिक कष्टों से भरे हुए संयम मार्ग पर चलना चाहता है। इस हेतु आवश्यक है कि हम भी श्री शांतिलाल जी की गठरी में जमा जो सांसारिक पुण्य है उनको खंगाल ले। तमाम विपरीताओं में अपराजित रहना ऐसा वीर्य गुण। बाल्यकाल 5 वर्ष में ही पिता की मृत्यु एवं गरीबी के कठिन संघर्ष से उठकर फलौदी से चेन्नई और नागपुर में व्यवसाय की असीम ऊंचाइयों को सहज में छू लिया एवं अनेक व्यवसायिक संस्थानों की नींव रखी। उत्तम स्वास्थ्य। 65 वर्ष की आयु में भी किसी नवयुवक को मात दे सके ऐसा उत्तम स्वास्थ्य, व्यवस्थित कटकाठी, सम संस्थान, न दुबले न मोटे, गौर वर्ण, आँखों में तेज, सुस्वर एवं गंभीर वाणी, सभी गुणों की एक साथ प्राप्ति श्री शांतिलाल जी साको है। सर्वोत्तम परिवार। जिस व्यक्ति के पारिवारिक जीवन में धर्मनिष्ठ सुश्राविका, कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाली सीता स्वरूपा, मंजू देवी जैसी धर्मपत्नी हो, राम लक्ष्मण तुल्य, विकास और रुपेश जैसे आज्ञाकारी पुत्र हो, उर्मिला और श्रुतकीर्ति जैसी पुत्र वधुए, शीतल एवं पिंकी हो और लवकुश जैसे पोते पोतियां हो, ऐसे रामायण रूपी परिवार का पुण्य जिसे प्राप्त हो वो सुख पाने कहीं और क्यों भटकेगा। धर्म के निष्ठावान सुश्रावक रूपी गुण। ऐसी संपत्ति, प्रतिष्ठा एवं परिवार पाकर भी जिसे क्षण मात्र भी प्रमाद ना हो वह पुण्य की उच्चतम अवस्था है। जिस श्रावक ने संसारिक जीवन में श्रावक रूपी सारे कर्तव्य निभाए हो उनकी जरा बांगी तो देखिए। सन 1954-55 में पालीताना में 99 चौमासा स्वद्रव्य से, सन 1984 में केसरवाड़ी तीर्थ पर दादा कुशल गुरु की प्रतिमा का लाभ, सन 1989 में धर्मनाथ जिन मंदिर में चंद्र प्रभु परमात्मा विराजमान का लाभ, सन 2000 में 16 कल्याणक भूमियों का छरिपालित संघ एवं सजोड़े चौथे व्रत का पचखान, सन 2004 में पालीताना तीर्थ पर स्वद्रव्य से चौमासा, सन 2004 में थंजावुर में मूलनायक भगवान विराजमान का लाभ, सन 2005 में मनोहर श्रीजी महाराज साहिब के अग्नि संस्कार में चंदन बोली, सन 2006 में गिरिराज पर द्रविड़ वारिखिल डेरी का जीर्णोद्धार एवं अमर ध्वजा का लाभ, सन 2007 में रामदेवड़ा में धर्मशाला शिलान्यास एवं गौतम स्वामी की ध्वजा, सन 2014 में रुजुवालिका में 2570 साल प्राचीन मंदिर का संपूर्ण जीर्णोद्धार, वही दादा गुरुदेव की मूर्ति भरवाना, अंजन के जिनबिंब भरवाना एवं उपाश्रय के नामकरण का लाभ, सन 2014 में दादा धर्मनाथ के जीर्णोद्धार में सहयोगी, तमिलनाडु खतरगच संघ द्वारा शासन रत्न से सम्मानित, सन 2015 में चेन्नई में धर्मनाथ प्रभु को प्रतिष्ठित कराने का लाभ, सन 2015 में कन्याकुमारी जिन मंदिर का निर्माण, सन 2016 में समेत शिखरजी तीर्थ पर मुख्य मंदिर का जीर्णोद्धार, सन 2020 में बरोठा में संपूर्ण जिन मंदिर निर्माण। इन सबके अतिरिक्त अनगिनत कार्य जैसे धर्मशालाओं, कैंसर इंस्टीट्यूट, धार्मिक पाठशाला, उपाश्रय, अनेक जिन मंदिरों के निर्माण आदि सभी कार्य 11 महीनों में पूर्ण करवाते थे। सभी श्रावक क्रियाएं 28, 99, तीनों उपधान, 15 से अधिक वर्षीय तप, 2004 से आज तक संलग्न एकाष्ण व्रत, ये सभी क्रियाएं निर्विघ्न जिनकी संपन्न हुई हो एवं आदय नाम कर्म जिनके बोलने मात्र से कार्य की पूर्ति हो जाए, ऐसे परम पुण्य को प्राप्त व्यक्ति किस चाह में संयम मार्ग स्वीकार करता है ये उनके मुख से तो हम जानेंगे ही, पर द्रव्याणु योग कहता है पुण्य की सर्वोच्च अवस्था में 5 लब्धियों को पाता हुआ मनुष्य जब करण लब्धि में दर्शन मोहनीय के उदय को भेद कर यथा प्रवृत्तिकरण, अपूर्तकरण एवं अनिवृत्तिकरण पार कर ले तब उसे सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। इससे भी अधिक पुण्य हो तब जीव प्रमत्त संयम गुण स्थान अर्थात साधु जीवन में प्रवेश करता है। आत्मगुणों के विकास की यह उच्च भूमिका है
चक्रवृत्ति सम्राट की आयुशाला में चक्ररत्न प्रकट हो वह संसारी जीवन की उच्चोत्तम पुण्य अवस्था है। उससे अनंत गुण अधिक पुण्य हो तब संयम मार्ग ग्रहण करने के भाव उपजते हैं। जो जीव यह समझ जाता है वह जीव श्री शांतिलाल जी जैसे अपूर्व पुण्य को प्राप्त होने के बाद भी दीक्षा का प्रबलतम पुरुषार्थ करता है। यह गाथा किसी भी प्रकार से उनकी अनुमोदना के लिए नहीं है, अपितु ये समझने के लिए है कि हम पुण्य किसे समझते हैं एवं सत्य पुण्य क्या होता है। जो धर्म मार्ग में प्रवृत्त करे वह पुण्य, जो संसारिक सुख को बढ़ाए उसकी तृष्णा बढ़ाए वह पाप। धन्य धन्य जिन शासन।